यूपी के रामपुर में बिजली विभाग के अधिकारी गरीब किसानों को चेकिंग के नाम पर इस प्रकार धमका रहे हैं कि किसान की दहशत में मौत हो गई। वहीं किसान के परिजनों का आरोप है कि घर में मीटर भी लगा है, उसके बाद भी विजिलेंस की टीम ने घर में घुसकर परिजनों से गाली गलौज कर पीड़ित पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगा डाला, जिससे ग्रामीण को हार्ट अटैक पड़ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बिजली कर्मियों के खिलाफ चौकी में तहरीर दे कर कार्रवाई की मांग की है। मामला कोतवाली टांडा क्षेत्र के गांव कुआं खेड़ा का है, जहां बिजली विभाग ने बिजली चेकिंग के नाम पर कोतवाली टांडा के क्षेत्र के गरीब किसान के घर 30 जनवरी को 12 ग्रामीणों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, जिसे दिलशाद पुत्र जमीर मियां को विभाग द्वारा धमकाया जा रहा था कि अगर पैसा जमा नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा। साथ ही पुलिस ने रातों रात गरीबों के घर पर दबिश देनी शुरू कर दी। गरीबी के कारण समय से भुगतान नहीं हो पाया और ग्रामीणों ने जेल जाने की दहशत बनी हुई थी, जिस कारण कल शाम दिलशाद को हार्ट अटैक आया, जिसको दिल्ली ले जाते वक्त रास्ते में ही किसान दिलशाद की मौत हो गई। वहीं घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर बिजली पहुँचाने का जो सपना देखा और उसको साकार करने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं चला जा रही हैं, जिससे हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो सके। इस लक्ष्य को पलीता लगा रहा है रामपुर जिले का बिजली विभाग, जो लगातार गरीबों से चेकिंग के नाम पर मोटी कमाई कर रहा है। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक बिजली विभाग की टीम ने किसान के यहाँ छापा मारकर 60,000 रुपये का दोनों भाइयों के ऊपर जुर्माना लगा डाला, जिसको दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। जब इस बात का किसान को पता चला कि बिजली विभाग ने उसके ऊपर 60,000 रुपये का जुर्माना लगा डाला, वहीं किसान को वहां पे हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया और उसके अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में कोहराम मच गया। वहीं बिजली विभाग के इस हरकत से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। रामपुर यूपी से रेखा रानी, आजाद TV न्यूज। में लोग वहां के नाराज होंगे, तो मतलब अगर किसी की डेथ हो गई उसकी FIR हुई होगी उसमें विजिलेंस में, मौका वारदात पे वहां उनको जो भी पाया गया होगा उसके आधार पर उन्होंने विजिलेंस वालों ने वहां पे FIR की होगी, तो उससे लोग मतलब इशू बनाना चाह रहे होंगे कि मतलब किसी तरीके से हम इस चीज़ से छूट जाएँ। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ जो 55,000 की इन्होंने पेनल्टी डाली है, क्या क्या जलता है आपके यहाँ? साली एक सैबल जल रही जी, इन्होंने TV दिखा रहे हैं, मेरे कभी TV चलती ना आज, ये कढ़ाई का काम हो रहा खाली। मेरे घर में TV भी दिखा रहे हैं, मेरे घर में फ्रिज भी दिखा रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी दिखा रहे हैं, कूलर पंखा मोटर ये चीज़ है नहीं मेरे घर में कोई भी, सब झूठ बात है इनकी। भी लगे हुए हैं घर में, उसी पर ये छापेमारी कर रहे हैं। ये जो टांडे के हैं JEE, इनकी सांठगांठ है, मिल के ये जो है रुपया वसूल कर रहे हैं इन गरीबों से, और उसी के मतलब ये गरीबी में इनके हालात इतने नाजुक थे कि ये इनसे सांठगांठ मतलब जो इन्होंने करी थी, ये चाह रहे थे पैसे मिल जाए 60,000-65,000 रुपये, इनसे नहीं बने, उसी में मतलब इनका इंतकाल हो गया और हार्ट अटैक हो गया।